संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संघ जिला ने सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों की परीक्षा के आधार पर की जा रही पदस्थापना उपपदस्थापना के लिए जा रही परीक्षा के विरोध स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जो दिनांक 3 नवंबर को एक आदेश निकाला है, निर्देश जारी किए, जिसमें सीएम राइज स्कूल प्रदेशों में खोले जाने का निर्णय हुआ और उन स्कूलों में परीक्षा लेकर टीचरों को पदस्थ किए जाने के ऐसे शासन के निर्देश हुए हैं। उसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, जो अध्ययनरत है उस शाला में, उन शालाओं में शिक्षकों को परीक्षा लेकर पदस्थ किए जाने के ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी शासन परिपत्र के विरोध में हम चाहते हैं कि जो हमारा टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, जो जहां जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है और परीक्षा के रिजल्ट भी उनने वहां 100% दिया है, स्कूलों को अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छा शिक्षण दिया है, और अगर उनको वहां से हटाया जाता है तो काफ़ी तकलीफ होगी, उनके मनोभाव और उनके आत्मसम्मान में विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि ये शासन का जो DPI का जो निर्देश है 3/11 उसे वापस लिया जाए। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।